हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? सो आज मैं वापस से आ गई हूँ गाइस आप लोग के लिए हॉल वीडियो लेके। और आज मैं आज ही ओके टॉप्स का रिव्यू करने जा रही हूँ। जो सबसे सस्ता टॉप मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना इस हॉल वीडियो में, दिस इज फॉर 135 रुपीज़। 135 रुपये का टॉप है। दो टॉप है 135 रुपये के, एक है 179 रुपीज़ का। बहुत ही ज़्यादा ना अफोर्डेबल हॉल होने वाला है गाइस, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे आपको स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, क्लोथिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। क्लोथिंग से रिलेटेड आपको हॉल वीडियोस मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो सी के साथ भी गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ में। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला जो टॉप मैंने पहना हुआ है ना गाइस, ये पोल का प्रिंट में टॉप है। ये भी मैंने आज ही उसे ही परचेज किया था। और इसका जो रिव्यू है ना वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। उसका लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस वीडियो के लिंक में ना आपको डिस्क्रिप्शन में जाके इस टॉप का ना वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन केस तो। इसी के साथ में गाइस स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले सबसे सस्ते टॉप के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने 135 रुपये में परचेज किया था। टॉप है गाइस, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड फिग और इसका नाम है हेथर्ड राउंड नेक टॉप विथ लेस पैनल्स, जो मैंने 135.66 रुपीज़ में परचेज किया था। साइज मैंने इसका एम लिया था एंड दिस इज हाउ द टॉप लुक्स। मैं इसको ठीक कर लेती हूँ थोड़ा सा। लुक्स गाइस, ये वाला टॉप है बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉप है। बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। ये देखिए, ये इस तरह का टॉप है, लाइक्रा है ये वाला जो मटेरियल है ना, लाइक्रा है। और जो स्लीव्स है ना गाइस, वो इसके इस तरह के स्लीव्स हैं। ये पूरा ना डिटेलिंग हो रखा है स्लीव्स में, कंप्लीट स्लीव में। और ये डिटेलिंग ना यहाँ से शोल्डर से स्टार्ट हो जाता है। आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से ये ना शोल्डर से ही डिटेलिंग स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट हाथों में ये वाला डिटेलिंग है। और दोनों ही तरफ, मतलब ऑब्वियसली दोनों ही तरफ होगा, तो इस तरह का ये डिटेलिंग है दोनों ही तरफ ना। ये जो टॉप है ना, अगर ये अच्छा लग रहा था ना तो सिर्फ इस डिटेलिंग की वजह से अच्छा लग रहा था। और बहुत ना फाइन क्वालिटी का डिटेलिंग है ये, ऐसा नहीं है मतलब ना खराब लग रहा था या अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ना सुंदर लग रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था इसको पहनने के बाद में ना, बहुत सुंदर लग रहा था। और मटेरियल मैंने आपको बता दिया गाइस, लाइक्रा है, पीछे से इस तरह का है, ये आगे से राउंड नेक है। और बहुत ही ज़्यादा ना कंफर्टेबल सा इसका क्लोथ है, कंफर्टेबल मटेरियल है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है पहनने के बाद में। साइज़ मैंने इसका एम परचेज किया था 135 रुपीज़ में। दिस इज जस्ट एन अमेजिंग प्रोडक्ट, अमेजिंग अमेजिंग टॉप, बहुत ही ज़्यादा ना सुंदर टॉप है। आप देख सकते हैं पिक्चर जो मैंने लगाया है ना इसको पहनने के बाद में, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। इस टॉप को आप अपने किसी भी कलर के डेनिम, मतलब बॉटम के साथ में पहन सकते हैं, वाइट, बेज, ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, किसी भी तरह से आप पहन सकते हैं। ब्लैक के साथ भी आप इसको पेयर कर सकते हैं, सबके साथ ही ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये ना रेडी टू गो ऑन वाले टॉप होते हैं ना, जिनको प्रेस की भी ज़रूरत नहीं होती, बिना प्रेस के आप इनको पहन सकते हैं। रेडी वाले टॉप होते हैं ना, बस वार्डरोब में रखे, निकाला और पहन लिया, ये वो वाला टॉप है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जस्ट एन अमेजिंग पीस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पीस है गाइस, आई जस्ट लाइक इट सो सो मच। साथ में गाइस स्टार्ट करते हैं इस हॉल के नेक्स्ट टॉप के साथ में। तो जो नेक्स्ट टॉप है दैट इज हेथर्ड राउंड नेक टॉप, जो ब्रांड फिग का है, FIG। प्राइस जो मैंने इसका पे किया था 135.66 रुपीज़ पे किए थे। साइज मैंने इसका एम लिया था एंड दिस इज दैट टॉप। इसका नाम ना सेम सा दे रखा है, पिछले वाले टॉप का भी नाम कुछ इसी तरह का था, इसी का भी है, लेकिन ना सेम नहीं है, एकदम अलग टॉप है दोनों। तो इस तरह का ये टॉप है, कलर वाइट लिया मैंने इसमें, एक और कलर ऑप्शन अवेलेबल था ब्लैक, बट मेरे को वाइट थोड़ा जल्दी से हो जाता है ना, मतलब मैं ब्लैक वाइट कलर जल्दी से चूज़ कर लेती हूँ, तो ये वाइट कलर मैंने चूज़ किया। और इस तरह का ये डिटेलिंग दिया हुआ है बाजुओं पे, दोनों ही तरफ बाजुओं पे इस तरह का ये डिटेलिंग है। और बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा लग रहा था पहनने के बाद में ना, बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे वाइट कलर के क्लोथ्स ना कुछ ज़्यादा जल्दी से ना पसंद आ जाते हैं, जल्दी से मुझे अच्छे लग जाते हैं, तो वाइट मैंने परचेज कर लिया एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इसमें ना थोड़ा सा सी थ्रू का प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं है मतलब ऐसा हो कि बहुत ही ज़्यादा सी थ्रू है, ऐसा नहीं है, बट हाँ हल्का सा ना मुझे ऐसा लगा कि सी थ्रू का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ना इसके साथ न्यूड अंडरगारमेंट्स पहनने पड़ेंगे, वाइट के साथ तो पहनने ही पड़ते हैं न्यूड अंडरगारमेंट्स। सो ये वाला ये टॉप है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहनने के बाद में। अगर आपको वाइट कलर नहीं लेना है, नहीं पसंद आता, तो आप ब्लैक कलर ले सकते हैं, इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल था।
और इसका जो मटेरियल है ये लाइक्रा है, मतलब कॉटन जैसे जो मटेरियल होता है ना, जो हमारे लाइक्रा मटेरियल आप जानते होंगे शायद, जो लेगी वगैरह में मटेरियल होता है, इस तरह का ये मटेरियल है। और बहुत ही ज़्यादा ना कंफर्टेबल सा इसका क्लोथ है, बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है, टॉप भी बहुत कंफर्टेबल है, गर्मियों में बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, मतलब गर्मियों के लिए ना इस वन ऑफ द बेस्ट परचेज, मतलब 135 रुपये में टॉप मिल रहा है इस, मतलब क्या ही बोले ना, कि वो कहीं जाना है घर बैठे बैठे आपको परचेज है उस पर 135 रुपये में इतने अच्छे टॉप मिल रहे हैं। तो सरोजनी में जाने की जरूरत नहीं है ना, मुझे तो लिटरली कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्यों ही जाना है, जो लोग इंडिया के कुछ और दूसरे कॉर्नर्स में रहते हैं ना, जो सरोजनी में नहीं रह मतलब सरोजनी के आसपास नहीं रहते या दिल्ली के आसपास नहीं रहते, उनके लिए तो ना बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं ये ना गाइस। 135 रुपये में टी शर्ट्स मिल रहे हैं, 135 रुपये ये टॉप्स मिल रहे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड्स के, तो जस्ट एन अमेजिंग अमेजिंग पीस है, हाईली हाईली रिकमेंड, बहुत ज़्यादा सुंदर पीस है। इसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट टॉप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है DNMX का। DNMX के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, सो DNMX का टॉप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसका नाम है निट टॉप विद नेक टाई अप, 179 रुपीज़ में मैंने ये परचेज किया था, 179.70, और साइज मैंने इसका M लिया था। एंड दिस इज दैट टॉप, लुक एट द टॉप एंड लुक एट द कलर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर टॉप है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉप है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये टॉप पहनने के बाद में ना। ये देखिए ये पूरा ना अलग मटेरियल है, मतलब ये वाला जो नीचे वाला मटेरियल है ना ये डिफरेंट है, और इसमें ना ये इस तरह से ना क्या बोल सकते हैं इसको, अलग से लगाया हुआ है, कुछ चिकन जैसा कपड़ा होता है ना, इस तरह का ये कपड़ा है, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। कलर तो मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, इस तरह के इसके स्लीव्स हैं, और आप देख सकते हैं टॉप नीचे की तरफ ना इसमें ये इलास्टिक दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा वैसा इलास्टिक नहीं है, मतलब ढीला वाला सा इलास्टिक होता है ना एकदम वैसा वाला इसका इलास्टिक है ये। आगे की तरफ इसमें ये डोरी दिया हुआ है टाई ऑन के लिए, इसको आप टाई ऑन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द टॉप लुक। मटेरियल की अगर बात करूँ तो ये ऊपर वाला जो डिटेलिंग वाला मटेरियल है ना ये कॉटन है, और नीचे वाला जो ये मटेरियल है ये लाइक्रा है। 179.70 रुपीज़ में मैंने ये टॉप परचेज किया था, साइज इसका M लिया था, पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं पिक्चर में बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था, आई जस्ट लाइक इट सो मच, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये पहनने के बाद में, और हाईली हाईली रिकमेंडेड पीसेस हैं गाइस ये, मुझे ना ये सारे ही पीसेस बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छे लग रहे थे ये। एंड ये ना कुछ इस तरह के टॉप है गाइस, अभी तक जितने मैंने टॉप आपको दिखाए हैं ना कुछ इस तरह के टॉप है, अपने कॉलेज में ऑफिस में कहीं पर भी पहन सकते हैं इन टॉप्स को ना, ये टॉप ना सेकेंड थॉट चाहिए ही नहीं कि कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, जैसे टैंक टॉप वगैरह पहनने से पहले हम कई बार सोच लेते हैं ना, ये तो ऐसे टॉप है ना कि कहीं भी चलेंगे। और वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था ये वाला टॉप भी मैंने वहीं से लिया है, आजियो से ही लिया है, ये शायद फिग का है, और ये मैंने 209 रुपये में परचेज़ किया था, तो मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये टॉप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब फर्स्ट परचेजल है मेरा पोल का प्रिंट ना, इससे पहले मैंने कभी पोल का प्रिंट परचेज ही नहीं किया, सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड। ये ना पॉलिस्टर नहीं इसको ना वो कहेंगे, जॉर्जेट होता है ना, जॉर्जेट वाला इसका कपड़ा है, स्लीव्स इसके इस तरह के हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर सा टॉप है। तो एंड इसके बाद में गाइस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉप के साथ में, तो जो नेक्स्ट टॉप है गाइस दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड रियो। रियो भी एक अच्छा ब्रांड है आजियो पे ना, उसके भी कपड़े काफ़ी अच्छे आते हैं, सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड आजियो। आपने इस तरह इस टॉप के साथ ना मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाले थे अपने चैनल पे ना, तो अगर आपने शॉर्ट्स देखे होंगे तो वहाँ पे आपको ये टॉप दिखाई दिया होगा, तो ये वाला ये टॉप है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेचेबिलिटी इसकी मतलब ठीक आ गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, इस तरह का ये टॉप है, इस तरह इसके स्लीव्स हैं, एंड इसमें ना एक और कलर ऑप्शन अवेलेबल था, आई सपोज शायद पिंक था और एक और था बेज, दो कलर और शायद इसमें अवेलेबल थे, मैं लिंक नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। साइज मैंने इसका मैंने आपको बता दिया M लिया था, 209 रुपये में मैंने ये टॉप जो है वो परचेज किया था, एंड दिस इज हाउ द टॉप्स लुक, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इसका जो मटेरियल है ना गाइज ये पॉलिस्टर है, तो ये वाला एक ऐसा मटेरियल है जिसको ना बहुत ज़्यादा गर्मी में हम नहीं पहन पाएंगे, मगर अभी जो सीजन चल रहा है ना ये वाला जो टाइम चल रहा है मार्च अप्रैल वाला, उसमें आप इसको बहुत आराम से पहन सकते हो, लेकिन जब जैसे ये जून और मई वाला सीजन स्टार्ट हो जाएगा ना, मई और जून वाला अगस्त वाला, उस टाइम पे ये शायद थोड़ा सा इरीटेट करे, पॉलिस्टर थोड़ा इरीटेट करता है ना उस टाइम पे, और अक्टूबर के बाद वापस से इस तरह के क्लोथ पहन सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मटेरियल ना वैसा वाला है इसका पॉलिस्टर वाला, तो
दिस इज़ आई जस्ट थोड़ी सी ना एक मुझे चीज़ लगे कि मतलब ऑल ओवर द सीज़न नहीं पहन सकते, बट ठीक है कुछ ऐसे कपड़े होने चाहिए जो हम सीज़न में कभी कभी उनको निकालते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसका ना लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है पहनने के बाद में ना। मुझे कई सारे लोगों ने इसके लिए बोला, इनफैक्ट ना मतलब मैं ऑफिस जा गई थी एक बार इसको पहन के ना, तो मुझे कई सारे लोगों ने बोला था इसके लिए ना कि ये टॉप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लिटरली ये टॉप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद में ना। और ऑफिस में एसी वगैरह में अगर आप काम करते हैं ना, तब तो आप इसको किसी भी सीजन में पहन सकते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बस जो लोग मतलब एसी वगैरह में सारा टाइम नहीं रहते ना, उनको ये थोड़ा कपड़ा इरीटेट कर सकता है। मतलब वैसे तो ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि इसमें सॉफ्टनेस में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। बट वही ये थोड़ा ना पॉलिस्टर है, तो मुझे ना ऐसा लगता है मतलब गर्मियों में ना मैं थोड़ा कॉटन ही प्रेफर करती हूँ पहनना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ना, मैं तो फिर सामने वाले को कैसे कह दूँ कि ना नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो जब मैं ही कंफर्टेबल नहीं हूँ तो नहीं बोल सकती। तो दिस इज़ हाउ द टॉप लुक, पहनने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, इसको आप अपने बेज कलर के पैंट के साथ में, वाइट कलर के पैंट के साथ में, ब्लू कलर के पैंट के साथ में पेयर कर सकते हैं, ब्लैक कलर के पैंट के साथ भी पेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। सबसे ज़्यादा अच्छा ये बेज कलर के साथ लगेगा जो मुझे लगता है। एंड दिस इज़ द टॉप लुक्स लाइक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पीस है, ऑफिस गोइंग कॉलेज गोइंग पीस है। सारे ही पीस गाइस अभी तक जितने मैंने आपको ये चार पीस अभी तक जो दिखाई है, चारों ही पीसेस वही हैं जिसको आप आराम से ऑफिस वगैरह पहन सकते हो, कॉलेज पहन के जा सकते हो, कहीं भी आप इनको पहन के जा सकते हो बिना सेकेंड थॉट के। बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट टॉप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, दैट इज़ माई फेवरेट फ्रॉम दिस हॉल, एंड दिस इज दिस टॉप। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉप है गाइस ये वाला ना। हाँ जी, ये टैंक टॉप है ब्राउन कलर में, और इस तरह का ये बूढ़ा जींस का है, BUDA बूढ़ा जींस को साइज मैंने इसका M लिया था, और ये मैंने 295 रुपीज़ में परचेज किया था। एंड दिस इज़ दैट टॉप, बहुत ही ज़्यादा सुंदर टॉप है गाइस। और इसका जो मटेरियल है ना, ये रिब्ड मटेरियल नहीं है। आप मतलब जैसे आप मार्केट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ऑनलाइन भी शॉपिंग करेंगे, तो जितने भी टैंक टॉप अभी तक आ रहे हैं ना मार्केट में, मतलब मैक्सिमम 90% सब रिब्ड मटेरियल में है, रिब्ड वाला मटेरियल है इसका। बट ये वाला मटेरियल ना रिब्ड नहीं है। और मुझे ना इस टॉप में सबसे अच्छी बात यही लगी, मतलब मुझे ना सारी चीज़ें रिब्ड मटेरियल में ही इकट्ठी होते जा रहे थे ना। मतलब आजकल रिब्ड वाला जो मटेरियल वो इतना ज़्यादा चल रहा है कि हर चीज़ रिब्ड मटेरियल की ही ज़्यादातर आ रही है, स्पेशली टैंक टॉप्स। तो मुझे ना ऐसा था कि मुझे ना रिब्ड मटेरियल के अलावा कुछ और लेना है, तो दिस इज दैट मटेरियल, बहुत ही अच्छा है। और ना ये कॉटन है, 100% कॉटन मटेरियल है ये, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। स्ट्रेचिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ ना गाइस, बहुत स्ट्रेचेबल है ये वाला जो टॉप है, बहुत स्ट्रेचेबल है। एंड इसमें ना पीछे मतलब जो अंदर की तरफ ना, जैसे ये इसका आगे वाला पार्ट है, अंदर की तरफ ना दोनों तरफ ये वाले और पीछे की तरफ भी, इसमें ना ये एड ऑन लेयर दिया हुआ है जिसकी वजह से ना सी थ्रू का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है ये ना, एड ऑन लेयर है अंदर की तरफ। मैं आपको एक बार प्रॉपरली दिखा देती हूँ, ये इस तरह से ये टॉप है, और अंदर की तरफ ना ये देखिए ये एड ऑन लेयर है, और आगे की तरफ भी ये इसका एड ऑन लेयर है, ये देखिए। तो बहुत ही ज़्यादा ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग परचेज है ये। इसमें ना जो ये नेक लाइन है, ये स्क्वायर नेक है, एंड दिस इज हाउ द टॉप लुक। मतलब जब ये डिलीवर हुआ ना, मैं बहुत खुश हो गई, बहुत बहुत खुश हो गई। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना ये टॉप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ना कंप्लीट लेंथ में है, ऐसा नहीं है कि ये ना क्रॉप टॉप है, जो कंप्लीट लेंथ वाले होते हैं ना टैंक टॉप्स, कंप्लीट लेंथ में टैंक टॉप है। मटेरियल क्वालिटी इसका इतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा इसका मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छा है, 100% कॉटन है। गर्मियों में तो औसम औसम रहने वाला है ये, मतलब ये पहन लो, नीचे जींस डाल लो, एंड दैट्स इट। और अगर आप जैसे कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आप टैंक टॉप्स नहीं पहन सकते, तो ऊपर से अपना व्हाइट शर्ट डालो या ब्लैक शर्ट डालो, कुछ भी डालो, अपने डेनिम वाले जैकेट डालो, कुछ भी कैसे भी पहन सकते हैं ना इसको, किसी भी तरह से पेयर कर सकते हैं। वर्सेटाइल है ये, बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है। और मुझे ये इतना 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 ज़्यादा पसंद आया ना गाइस, कि मैंने इसके साथ में ना, एक्चुअली ना इसके चार कलर्स अवेलेबल थे, तो मैंने इसके साथ में दो कलर्स ना और ऑर्डर कर दिए, एंड दीज आर दो कलर्स, ब्लैक और वाइट में सेम है, एकदम सेम बूटा जीन्स के कल स्क्वायर नेक है। मटेरियल मैं आपको ना इसका भी दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए इसका भी मटेरियल ना रिब्ड मटेरियल नहीं है, ये ना मेरा बाल, ये ना रिब्ड मटेरियल नहीं है, इस तरह का इसका ये मटेरियल है।
बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। इसमें भी अंदर की तरफ ना ये एक और लेयर दिया हुआ है, ये वाला लेयर ना अंदर की तरफ दिया हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा औसम पीस है गाइस। मैं क्या बोलूँ इस पीस के लिए ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पीस है ये वाला। अगर आप टैंक टॉप ढूंढ रहे हैं ना, बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी के टैंक टॉप अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो गो फॉर दीज, बहुत अच्छे हैं ये, कभी रिग्रेट नहीं करोगे, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। मैं आपको बोल सकती हूँ ना, बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टैंक टॉप्स हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और फिर वाइट कलर, वाइट कलर जब मैं इसका ले रही थी ना, तो मुझे ये लग रहा था कि ना ठीक है ब्राउन और ब्लैक हो जाएंगे, व्हाइट कलर हो सकता है कि ना सी थ्रू हो, बट एक और चीज़ मेरे माइंड में था कि ना इसमें दो लेयर्स हैं, तो हो सकता है सी थ्रू नहीं हो, तो मैंने चेक करने के लिए मंगाया था। हालांकि आई एम कीपिंग देम, मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना, तो चेक करने के लिए मंगाया था, बट दिस इज़ जस्ट अमेजिंग क्वालिटी। मतलब ऐसी चीज़ है ना, तो पता नहीं वापस मिले ना मिले। तो ये वाला इसका वाइट वाला पीस है, एंड लुक एट द पीस, मतलब देखिए इसका जो स्टफ देखो आप, कितना ज़्यादा ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा स्टफ है इसका। मतलब मैं कैमरे में पता नहीं आपको दिखा पा रही हूँ या नहीं, बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा स्टफ है इसका। कंप्लीट लेंथ में है ये, फुल लेंथ में, और स्क्वायर नेक है इसका भी, और अंदर की तरफ ना इसमें भी ये दिए हुए हैं कंप्लीट। एक और जो लेयर है ना, ये वाला लेयर पीछे की तरफ का है, और ये वाला लेयर फिर आगे की तरफ है, और उस लेयर की वजह से ना ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं रहा। हालांकि मैंने तो न्यूड अंडर गारमेंट ही पहना था इसके साथ में, बट देन टू मतलब होता है ना कि सी थ्रू का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। मैं ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई ये वाले टॉप से ना, मतलब आई ना कंप्लीटली रिकमेंड। अगर आप टैंक टॉप ढूंढ रहे हो ना गाइस, गो फॉर दिस, गो फॉर दिस, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। और ना लॉन्ग लास्टिंग वाला कपड़ा है ये ना, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपके पास ना, खराब नहीं होगा ये ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कपड़े जो जल्दी से खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, वैसा वाला बिल्कुल भी इसका कपड़ा नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा स्टफ है गाइस, मुझे ना ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम परचेज है ये मेरा ना, मुझे, मैं सुपर हैप्पी हूँ उसके साथ में ना। एक का प्राइस 295 है इसमें, तो 295 295 295 में मुझे ये पड़े, बट ठीक है, मतलब वर्थ द इन्वेस्टमेंट है। और मैं ना इनको रगड़ के यूज़ करने वाली हूँ, होता है ना रगड़ के यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, बस मैं बुरी तरह यूज़ करने वाली हूँ इनको। सुपर हैप्पी, आई एम सुपर सुपर हैप्पी विद दिस। सो इस ये तीन टॉप को मिला के गाइस, और ये जो चार टॉप मैंने आपको दिखाए, ये टोटल टॉप मैंने आपको सात दिखाए हैं इस हॉल में। आपको इनमें से कौन सा टॉप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ना, प्लीज़ मुझे वीडियो में मतलब डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम में उसी तरह के टॉप आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ फॉर रिव्यूज़। एंड इसके साथ में गाइस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट रिव्यूज़ के साथ में। टिल देन अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय।